हटो बच्चे भाई, छोड़ो सारे। इंस्पेक्टर साहब, नू पुलिस स्टेशन लेके जाओ। इन्हें लोका दे पक्ति ते पोलेपन दा फायदा चुकिया। माता रानी दे नाते बहुत लुटिया लोका नू, ते चल हुण थाने। लेके जाओ इन्हू, करो अजी सेवा। बड़े बदमाश दी जी, सानू सारयां नूं माफ कर दो। असी तुहानूं बहुत गलत समझे, हानू राणी। तू जदों दी इस घर च आई है, सारा दे भले बारे सोचिया, ते जो भी कीता पुत्त सारा दे भले वास्ते कीता। पर इस वारी तू जो भी किया वो कल्ले ही किया। तुहाडे इहदे च कोई गलती नहीं है भुआ जी। इह तां मैं ही एक मझ नूं पढ़ाउण चली सी, ते मझ नूं पढ़ा के इस जमीन की नींह रखण चली सी। मेरे ते भरोसा कौन करूगा, पर मैं कल्ली नहीं सी। सुरावर जी हर पल मेरे नाल, एक पल भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छड्डे। पर पुत्र जी, तुहानू ये शक किदां होया भी लोकां नू बेवकूफ बनाने वास्ते किसी ने मिट्टी च मूर्ति तप दित्ती सी? पापा जी, उस दिन जदों मैं मूर्ति दे नाल आए दुपट्टे नूं ध्यान नाल वेख्या, तो उहदे ते मैनूं एक टैग विख्या। तो वो टैग वेख के मैनूं पूरा शक हो गया कि वो मूर्ति कोई पुरानी मूर्ति नहीं है। फिर मैं सुरावर जी नूं अपनी मदद करन ले गया, ते फिर असीं दोवें उस बुटीक ते भी गए, पर सानूं किसे भी गल दी कोई सूह नहीं मिली। पर एक गल ते तां पूरा यकीन हो गया कि कोई ना कोई तां है जो संगत दी श्रद्धा नूं ठेस पहुंचाउणा चाहुंदा है। ते फिर मैं सुरावर जी नूं कहा कि जदों मैं बिल्लू नूं पढ़ाऊंगी तां सब दा ध्यान मेरे वल होगा, ते उस तों बाद तुसीं उस मामले दी तह तक जा सकते हो। ते फिर जोरावर जी नूं मूर्ति दी एक होर चीज लभी, एक सीरियल नंबर। तां पापा जी, वो नंबर वेख के तां सानूं पूरा यकीन हो गया कि वो मूर्ति कोई पुरातन मूर्ति नहीं है, सगो अजकल दी मूर्ति है। ते फिर जदों सुरावर जी उसे रात उहदे घर पुज्जे, तां उहने उहदे बंद पए घर दे विच किसे नूं वेख्या। उस तो बाद जदों असीं रात नूं दोवें दोबारा उहदे घर गए, तां साडे जाण तों पहलां ही मूर्ति वाले नूं कोई उत्थों धोके लै गया। तां जदों मैं उस मूर्ति वर्गी मिट्टी अपने घर वेखी, तां मेरा शक बहुत ही पक्का हो गया कि कोई ना कोई तां जरूर जो साडे इक इक कदम ते नजर रख रहा है। ते फिर मैं जानबूझ के उस बंदे दी गल कीती जिन्हें सानू मूर्ति बारे दसना सी। ते उस वेले तक मैनूं पक्का शक हो गया सी कि कोई ना कोई तां जरूर है जो साडे उत्ते पूरी नजर रख रहा है।
सुरावर जी तुम एक मिनट मेरे नाल आयो, मैं कुछ जरूरी गल करनी है उस मूर्ति दे बारे। फिर तो जठानी जी प्रताप ने पक्का थोड़ी गल सुननी होनी है, ताही तो उत्थे पुज गया अपने रस्ते दा रोड़ा हटाने लई। तुहानू हुण मेरी कोई लोड़ नहीं, तुहाडे पिंड विच इदां दा कोई है जो हर हाल विच सत दा साथ देवेगा ते तुहानू पढ़ा लिखा के सही राह दिखाऊगा। तुहाडी रक्षा करन वाली ते तुहाडी मार्गदर्शक है अजूनी। कोई तुहानू बुद्धू नहीं बना सकता ते ना ही कोई तुहाडा नुकसान कर सकता। जिन्नी श्रद्धा नाल अज तक तुसी मेरा सत्संग सुन आउंदे सी उन्नी श्रद्धा नाल हुण माता सरस्वती दा आशीर्वाद प्राप्त करन वास्ते भी आउणा तुसी, यानी अजूनी ते जोरा दे स्कूल विच पढ़ाई करन वास्ते। देखा जुगनू अजूनी का कमाल, मान गए ना सारे जने ओदी सियाणप नू। मैनू पहले ही पता सी मैडम जी किन्ना लोकां ने भाभी सामने टिकना नहीं। मर गई जुगनू। की होया मैडम जी? पापा जी आ गए सामने, जिन्होंने सानू इत्थे देख लिया ना बहुत बुरी होनी अपने नाल। बुरी की होनी मैडम, वो कड़ा बरूक चक्की कर दिया। क्यों लगता मैं इत्थे जुगनी नाल आ, जुगनू नाल नहीं। मैडम जी थोड़ा बापू सच्ची आई जाता, मेरी कुट के बद्री बना दू, हूँ मैं की करा जी? मैं नहीं पता जाए तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ते स्कूल दी उसारी दा काम भी कल तो शुरू हो जूगा। वैसे पापा जी, वैसे आपको छोटी मोटी खबर तो है नहीं, इस मौके ते एक फोटो खिंचनी तो बनती है। ले, तू फोटो ले। भाभी जी आओ। हसो पापा जी, तुसी इत्थे की कर देते हो? ओ मेरा ना चुमका इत्थे डिग पिया, मैं ओही लब्भी जन्नी आ। मैं चुमका नक च पाया सी, आ कन्ना वाले तो दोवें कन्ना च पाए ने। अच्छा हाँ, दोनों है गया, पर कुछ तो डिग गया सी पापा इत्थे। कोली डिगी होनी, कोली। हाँ ओही लब रही मैं, पता नहीं कित्थे आ। पर ओ कित्थे है? और कौन पापा जी? तेरी सहेली जुगनी। और कौन? जुगनी होने था इत्थे सी, शायद वो चलेगी पापा। इत्थे चली गई? मैं तेरे ना किसे मुंडे नु भी देखे है, वो तो कदे दिखी नहीं। मुंडा? नहीं पापा, केहो जी गल्ला कर रहे हो तुसी? मेरे नाल तो जुगनी सी, ते ओनू एक मिनट होया गई नू। रक्षा करन वाली ते तुहाडी मार्गदर्शक है अजूनी। अजूनी भाजपा जिंदाबाद, अजूनी भाजपा जिंदाबाद। आ जा अंदर, तू भी लियांदा रख दे थे। जेठानी जी तुसी? हाँ दरानी जी, और मैं ऊपर छत ते गई सी, ता जशन पाजी ते तुहाडे कपड़े भी सुखने पाए हुए सी, ता मैं वो भी ले आई। तुसी क्यों खेचल कीती? चुलबुली ने ले ही आने सी। चुलबुली? उदा ता वैसे भी कम च ध्यान घट ही रहिंदा है। आ देखो तुहाडा दुपट्टा भी फटिया होया, पता नहीं तार तो लौंदे टाइम फट गया या फिर किद्दा? ओहो एदी तां सीन लौनी पैनी है। पर दरानी जी, ए चुलबुली तां मैनूं वैसे भी बड़ी लापरवाही लगदी है, पर एक गल है, मैं एक बार पहला भी तुहाडा एक दुपट्टा वेख्या सी जो बिल्कुल ऐसे जगह तो फटिया होया सी। बड़ी हैरानी वाली गल है ना कि तुहाडे सारे दुपट्टे इक्को जगह तो फटे हुए ने, वो भी उत्थों जिथे टैग लग्या हुंदा है। किते जानबूझ के तो नहीं फाड़े हुए टैग सब तो? हाँ मैं ही चुलबुली नू कहा सी मेरे सारे दुपट्टे जो टैग कटे हैं। ताकि किसी नु मेरा सच पता ना लगे। एदा मतलब ये सारा कुछ तुसी कीता है? समझदार नूं तां इशारे ही काफी ने।
पर शायद तुसी सारी गल साफ साफ सुनना चाहते हो जेठानी जी। मेरे दुपट्टिया चो टैग मैं ही हटवाए। पर क्यों? बीबी प्रधान दे फैशन उत्ते तो सारे इलाके की बीबिया की नजर रहती है ना। जे कोई वो टैग्स वेख लवे तो वो तो बुटीक पुज जाओ ना मेरे वर्गे सूट सवाण लई। समझदार नूं तां इशारा ही काफी हुंदा। मेरे दुपट्टिया चों टैग्स मैं ही हटवाए सी। बीबी प्रधान दे फैशन उत्ते तां सारे इलाके दी बीबिया दी नजर रहिंदी है ना। दरानी जी ने जो कहा उही कहा है या कोई होर मतलब सी उहनां दी इस गल दा? बीबी प्रधान मैनूं बचा लो। एक मिनट रुको। इहो जिहे घटिया बंदे लई तुसीं कानून नूं अपने हथ च क्यों लैंदे हो? फिर तां जेठानी जी प्रताप ने पक्का तुहाडी गल सुननी होनी है ताही तो उत्थे पुज गया अपने रस्ते दा रोड़ा हटाने। जदों तक अजूनी दा पश्चाताप पूरा नहीं हुंदा मैं सिर्फ फलाहार करांगी। इहदी नौबत नहीं आऊगी माता जी। पर तुसी फलाहार नहीं करोगे, तुसी भोजन करोगे ते उहदा सारा इंतजाम मैं आप करांगी। उहदी जिम्मेवारी मेरी है। मेरे कोलों जेठानी जी सजा भुगतिया नहीं वेख होए वो कले भुखे प्यासे रहन ये गल मैनू सही नहीं लगी। जिसने मेरी मदद की है वो होर कोई नहीं थोड़ी अपनी सवरीन कौर बाजवाया। बाजवाया रेनू बेटा। हाँ जी पापा। पक्का तू जुगनी दे नाल ही सी? हाँ जी पापा मैं जुगनी नाल ही सी, होर किने होना मेरे नाल। फिर तेनू इन्नी जल्दी छड्ड के किवें चली गई? ओह पापा जी उन्हें ना घर रोटी बनानी सी, छोले भिओ के आई सी। थानू तो पता है कि छोलियां नू किन्ना टाइम लगता है। तेनू तो पता ही है कि छोले मैनू किन्ने पसंद ने। चल फिर ऐ कर अज जाके देख ही आने हैं किवें बनाउंदी है छोले जुगनी, नाले उत्थे खा भी आने। नहीं नहीं पापा जी इदा थोड़ी चाहिए किसी के घर, वह भी बिना दसे सीधा रोटी खान, ये कोई चंगी गल थोड़ी आ। ना चंगा क्यों नहीं लगता? तू तो जुगनी पक्या ही सहेलियां होना तो फिर फॉरमैलिटी वाली कोई गल ही नहीं। असी सीओ साहब वास्ते तड़का लगा लगे आपके वास्ते चिकन मंगा लेंगे सी। सानू जाना भी रातों रात ही पैना, दिने तो सारे मोहल्ले वाले आ जाते हैं ना। ਉਜੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਾਂਜਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਜੇਠਾਨੀ ਜੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਦਰਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਾਂਗੀ? ਜੇਠਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਨਾ, अपने परिवार से। फिर घट्टो घट तुहानू तो मेरे ते भरोसा होना चाहिए है ना। अदों तक जब तक मैं गलत साबित नहीं होंगी मैनू अजे भी इदा क्यों लगी जा रहा है कि इस मूर्ति वाली कहानी के पिछे दरानी जी का नाम कितने ना कितने तो जुड़िया ही होया है। जे मेरा शक सही है तो वो इदा क्यों करनगे? उन्हें की फायदा होगा ये सब करके?